गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम चना दाल और कद्दू के खट्टा सब्जी बनाने वाले हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगता है और अक्सर इसको छत्तीसगढ़ में हमारे गांव तरफ बना के इसको खाया जाता है। तो देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये देखिए कद्दू ले लिए हैं और कद्दू को बढ़िया से काट के छिल के और बढ़िया से इसको अच्छा से धो के ले ली हूँ मैं। ये करीब 250 ग्राम कद्दू था, उसको मैं काट के ली हूँ। उसके लिए 200 ग्राम दही ले लिए हैं, घर का जमाया हुआ दही है। फिर उसके बाद एक बड़ा प्याज है, इसको काटे हैं बारीक, और दो हरी मिर्ची है, इसको काटे हैं, थोड़ा से दो लहसुन की कलियाँ हैं, इसको छोटा छोटा काट लिए हैं, और 150 ग्राम चना दाल है। स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखा नहीं रहता है ये, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ले लिए हैं, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिए हैं 1/2 चम्मच। फिर उसके बाद तड़का के लिए इसको कढ़ी पत्ती ले लिए हैं 10-12, 3 लाल मिर्ची लिए हैं, और खट्टा सब्जी में बढ़िया फ्लेवर आता है थोड़ा से मेथी का दाना ले लिए हैं बिल्कुल 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच सरसों का दाना है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, और इस सब्जी को बनाने के लिए थोड़ा तेल की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चना दाल है, इसको अच्छी तरीके से धो लेते हैं। फिर इसको जब तक ये गल ना जाए 5 या 6 सीटी इसको लगवाना है। चना दाल थोड़ा से राहर दाल की अपेक्षा थोड़ा से लेट में पकता है। इसको अच्छी तरीके से धो लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको धोने के बाद इसको कुकर में करके चना दाल को पकाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें चना दाल को डाल लेती हूँ। इसके बाद फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी को जैसे दाल को बनाते हैं वैसे ही पानी डालना है इसमें। ज़्यादा सीटी इसको लगवाना रहता है, थोड़ा पानी भी ज़्यादा डालते हैं। इसके बाद फिर थोड़ा से 1/2 चम्मच इसमें नमक डालना है, और इसके बाद फिर इसका ढक्कन लगा के इसको दाल को सबसे पहले पका लेते हैं। ये देखिए दाल हमारा पक गया है, कुकर में से निकाल लिए हैं, और ऐसे करके ऐसे एक दाने यदि छू के देखते हैं तो ये देखिए पूरी तरह पक गया है। ऐसे ही हमको पकाना है। इसके बाद फिर अब सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए इस तरीके से देखिए कढ़ाई ले लिए हैं, और इसमें करीब 3 चम्मच तेल डालना है। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इस तरीके से देखिए तड़का वाला सामान रखे हैं, इसको डाल देते हैं। ये सरसों है और जीरा और थोड़ा से मेथी दाना है डाल दिए हैं। इसके बाद फिर कढ़ी पत्ता को भी डाल देते हैं इसी में। और इसके बाद फिर लाल मिर्ची को भी डाल देते हैं। इसके बाद फिर इसमें थोड़ा से ये लहसुन काट के रखे थे इसको डालना है, और इसी में हरा मिर्ची भी और प्याज को भी डाल के बढ़िया से भून लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारा बढ़िया से भुना रहा है, लेकिन इसको थोड़ा से और भून लेते हैं। ये देखिए हमारा प्याज भी बढ़िया से भून गया है। अब इसके बाद ये कद्दू का टुकड़ा है काट के रखे हैं, इसको डाल लेते हैं और इसको बढ़िया से भूनेंगे। ये देखिए थोड़ा से भुना गया है ये। अब इसके बाद इसी में थोड़ा से मसाला डालेंगे, तो थोड़ा से हल्दी पाउडर है डाल दिए हैं, और इसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ज़्यादा तीखा नहीं रहता है तो इसको डाल दिए हैं। उसके बाद फिर धनिया पाउडर भी डाल दिए हैं, और सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें थोड़ा से नमक भी डाल दिए हैं। नमक डालने से बढ़िया कोई भी सब्जी बढ़िया से पकता है और गलता है। इसके बाद फिर इसको बढ़िया से भून लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा भुना गया है। अब इसमें ये चना दाल को उबाल के रखे हैं, इसको डाल देते हैं,
और इसके बाद फिर इसको थोड़ा से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और इसमें थोड़ा से पानी डालना है। अभी थोड़ा से पानी डालने के बाद इसको ढक के पका लेते हैं जब तक हमारा कद्दू नहीं पक जाता। और जब तक हमारा ये कद्दू ऐसे ढक के पक रहा है तब तक से ये दही है इसको अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। ये देखिए हमारा कद्दू थोड़ा से पक गया है, थोड़ा देर इसको पका लिए हैं। ये हमारा कद्दू पकना ज़रूरी है, तो ये पक गया है अच्छी तरीके से ऐसे दबा के देखने से। ये देखिए दब जा रहा है। अब इसमें दही डालेंगे। दही को अच्छी तरीके से फेंट लिए हैं। इसके बाद दही को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ऐसे करके इसको मिलाते जाना है। दही को डाल के इसको थोड़ा से करीब 5 मिनट और पकाना है। इसके बाद हमारा कद्दू का खट्टा सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा सब्जी बढ़िया बन के तैयार हो गया है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा से धनिया पत्ती डाल देते हैं। और धनिया पत्ती डालने के बाद बढ़िया से इसको मिला लेते हैं और सर्व कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सब्जी बन के तैयार हो गया है। ये क्या है, ये वाला सब्जी रसेदार ही सब्जी अच्छा लगता है ये, क्योंकि इसमें दही भी डला रहता है, चना दाल भी डालते हैं। गांव में अक्सर मठा डाल के बनाते हैं और कुछ लोग इसको दही भी डाल के बनाते हैं। मैं इसको दही को अच्छा से उसको मथ ली थी फिर डाली थी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हो गया है। इसे इसी तरीके से सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए कद्दू और चने दाल की खट्टी सब्जी बन के तैयार हो गया है। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड। आप लोग इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।